हाय फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं मीठी तूर की दाल। इसके लिए हम लेंगे एक कप तूर की दाल, उसे अच्छे से वॉश कर लेंगे। वॉश करके हम पानी थोड़ा ज़्यादा डालेंगे क्योंकि ये कुक होनी है। नाउ देर आर टू वेज यू कैन कुक इट, या तो प्रेशर कुकर में डाल दीजिए, यू कैन गिव अ वन विसल, या फिर खुले बर्तन में जैसे मैंने रखा है और मीडियम फ्लेम पे इसे पकने दीजिए। ऑफकोर्स दिस इज अ लॉन्ग मेथड, बट द चॉइस इज योर्स। आई प्रिफर कुकिंग इन अ ओपन वेसल। अब हमने दाल चढ़ा दी है, इसे हाई फ्लेम पे रखा है और एक उबाले आने तक इसे हाई फ्लेम पर ही रखिए। आफ्टर दैट हम गैस को स्लो कर देंगे एंड नाउ आई विल टेल यू व्हाट टू डू नेक्स्ट। आप देखेंगे कि दाल को उबाला आ गया है। अब हम फ्लेम कम कर देंगे, पूरी तरह से स्लो हो जाएगा। अब इसमें कौन कौन सी चीजें जाएंगी ये आपको बताते हैं। आप देखेंगे कि हमारे पास हरी मिर्चें हैं, कड़ी पत्ता है, हींग है, नमक, ग्राउंडनट्स, राई, जीरा, सौंफ, गुड़, धनिया, अखा धनिया और क्लोव्स। ये सारे इंग्रेडिएंट्स हम अब इसमें डालेंगे, लेकिन डालने की विधि आपको मैं बताती हूँ। हमें कुछ चीजों को ग्राइंड करना है, जैसे मैंने कहा था वो है सौंफ, राई और धनिया। अब मैंने इस मिक्सचर में, इस जार में ये तीनों चीजें ले ली हैं। सौंफ मैंने रफली 2 स्पून लिए हैं और राई भी 2 ली है और धनिया 1.5 लिया है। इसका हम एक अच्छा मिक्सचर बना लेंगे। अब हम बघार तैयार करेंगे। इसके लिए हमने 1.5 टेबलस्पून तेल ले लिया है। तेल गर्म हो रहा है और इस गर्म तेल में सबसे पहले हम डालेंगे लौंग। उसके बाद हम डालेंगे राई, जीरा, कड़ी पत्ता, मिर्च, धनिया अखा और थोड़ी सी हींग। इसे अच्छे से मिला लें। आप चाहे तो लाल मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अखी लाल मिर्च, वो भी अच्छी लगेगी इसमें, क्योंकि हरी मिर्च डाली हुई है। थोड़ा सा इसे हम पकने देंगे और ये हमारा बघार तैयार हो गया है। नमक हम डायरेक्ट दाल में ही डालेंगे। अब आप दाल देखेंगे तो काफ़ी हद तक पक चुकी है। आप देखेंगे उसके दाने जो हैं गल चुके हैं, पर अभी भी थोड़ी सी कसर बाकी है, इसे थोड़ा होने दीजिए। दाल हमारी ऑलमोस्ट हो गई है। अब इस स्टेज में हम क्या करेंगे, हमने ग्राउंडनट्स लिए हैं वो इसमें डालेंगे। ये 1/2 कटोरी है, फ्लेम थोड़ा बढ़ा दीजिए। साथ में गुड़ आप स्वाद अनुसार, हमें ज़्यादा पसंद है इसलिए थोड़ा ज़्यादा लिया है। एंड नमक जो है 2 चम्मच है, वो भी साथ में डाल देंगे। फ्लेम हाई किया है ताकि जो गुड़ है जल से इसके अंदर पिघल जाए और मिक्स हो जाए, और जो हमारे पीनट्स हैं वो भी अच्छे से कुक हो जाए। अगर आपको दाल गाढ़ी लगे तो आप इसमें पानी डाल सकते हैं। बॉइल वाटर डालेंगे तो और जल्दी आपका प्रोसेस हो जाएगा। अगर सादा ठंडा पानी डालते हैं देन इट विल टेक सम मोर टाइम। आप देखेंगे दाल ऑलमोस्ट बन गई है, गुड़ भी घुल गया है, बॉइल आ गया है। अब इस स्टेज में हमने जो मसाला पीसा था, जिसमें था सौंफ, धनिया और राई, एक अच्छा सा मिक्सचर तैयार हो गया है। ये हम सारा का सारा इसमें डाल देंगे। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है और साथ ही में हम जो बघार बना के रखा है वो भी इसमें डाल दिया है। अगर आपको फूड टेस्ट करना ठीक लगता हो, आप टेस्ट करके नमक और मीठा दोनों चेक कर सकते हैं। दाल हमारी रेडी है, इसे स्लो कर देंगे हम और इसे धनिया से थोड़ा गार्निश कर देंगे।
We can switch off the flame. इस दाल को हम थोड़ा सा धनिया और खुशबू बहुत ही लाजवाब है, आप इसे प्लेन राइस के साथ खाएंगे बहुत एंजॉय करेंगे। थैंक यू सो मच। ये दाल बहुत ही सिंपल है, आप जरूर ट्राई कीजिएगा। यदि आपको पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू वंस अगेन।